वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साखी श्री गुरु जी रावी गए, तांबाला कहे श्री गुरु अंगद साहेब जी। गुरु जी जिधर जावन उथे ही जीवां दा उधार करन, अते जे कोई श्री गुरु जी दा दर्शन वी कर जावे ता अनेकां जन्मां दे पापां दा नष्ट हो जावे। ता श्री गुरु नानक जी की सुगंधता बावन चंदन दी न्याई है। श्री गुरु जी बावन चंदन हैं, जो के जिस दरख्त को वायु स्पर्श करके फेर औरा वृक्षों को शोह के चंदन रूप कर देती है। तैसे ही श्री गुरु जी दा नाम सुनन करके जा दर्शन करके संपूर्ण जीवां दे पाप नष्ट हो जांदे हैं, ते शांत रूप हो जाते हैं। सो दीन दयाल गुरु जी जांदे जांदे एक गांव दे पास जाए बैठे, ता एक जिमीदार रोज रावी दे विच नहावने को जांदा हुंदा सी। उस दिन जो ओह जिमीदार नहावने जाता सी, ता अग्गे गुरु जी बैठे हैं और मर्दाना शब्द पढ़ रहा है। ते ओ शब्द सुनकर पास आया, ते आए कर श्री गुरु जी के चरण पर मत्था टेकया। ते एक कड़ी को बैठकर ओह जिमीदार रावी में नहाए कर अपने घर को आया। ते अपनी घरवाली को कहा, हे परमेश्वर दी प्यारी, तीन साध बैठे हैं, उना दे वास्ते कुछ प्रसाद तैयार कर देवे ता उनको दे आवां, ते मैं आप रसोई खावांगा ता उनको खवाए कर खावांगा। उस दी स्त्री ने बड़े प्रेम नाल प्रसाद तैयार करके अपने पति को कहया, हे परमेश्वर दे प्यारे, प्रसाद तैयार है। ता ओ जिमीदार प्रसाद लेके श्री गुरु नानक जी दे पास ले आया, अग्गे रख बैठ गया, ते हाथ जोड़ कर कहया, हे नाथ जी, एह अचबीए जी। ता गुरु महाराज जी सर्ब कटां के जानन हारे, उसका प्रेम देखकर उस प्रसाद को देखकर मेरे ताई कहा, बाला, इस प्रसाद से चौथा हिस्सा तो मर्दाने को देवो, अते बाकी प्रसाद को सब में बांट दियो। ता मैं गुरु जी का हुक्म मान कर उस प्रसाद को बांट दिया, उस जिमीदार को भी दिया। पर हे गुरु जी, उस प्रसाद वंडदिया को दोदे की स्त्री देख गई सी, ता उसके खुशी करके गुरु जी अग्गे जाए बैठे। साखी दोदे नाल होई रावी दे किनारे, ओथे करोड़िया मिलया। ता एक दिन दी बात है, गुरु नानक जी आख्या, पाई बाला मर्दाना, चलो तुहानू रावी दी सैल करवा ले आईए। ता मैं अरदास कीती, सच्चे पातशाह जी, जिधर आप दी रजाए है उधर चलिए जी। ता श्री नानक जी रावी दे किनारे जाए बैठे, ता मर्दाना लगा शब्द पढ़ने, ते फेर मर्दाने आख्या, जी हुन होर थे चल दे हां। ता गुरु जी कहा, पाई तुसी उतावले ना होवो, एक एथे दोदा जिमीदार रहिंदा है, पर उस दी स्त्री अग्गे गुरु जी का दर्शन कीता होया सी, अते फेर ओ आई ता गुरु जी बैठे हैं, देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। पर करों बड़े निर्धन सन, अते कोई पुत्र भी नहीं। उसने अपने घर जाकर अपने पति नु कहा, हे ठाकुर जी, एक संत रूपी साध रावी दे किनारे ऊपर आए बैठे हन, तुसी चलो ता दर्शन कर आविए। ता उस जिमीदार ने कहा, चलो, पर ओ दोवें जाने तुरे ता गुरु जी वास्ते दुध ले चले सन, अते आए के गुरु जी दे चरणा पर मत्था टेकया।
ता गुरु जी आख्या, आओ पाई दोदा, राजी हैं? ता दोदे कहया जी, आप जी दी मेहरबानी। ता गुरु नानक जी कहया, पाई दोदा, तेनू करतार चिते आवे। पर ओ स्त्री गुरु जी दा दर्शन करन रोज आउंदी सी। दर्शन करके फेर काम करदा जासवार दी सी। अर दोदा कदी कदी आउंदा है सी। ता एक दिन दी बात है, ओह स्त्री गुरु जी दे दर्शन नु चली ते दुध चोए कर ले गई। ता पिछों दोदा आया ते आए कर देखे ता कर स्त्री नहीं। ता दोदा जिमीदार श्री गुरु नानक जी पास आया ता गुरु जी अग्गे बहुत आनंद बैठे सन। और दोदे को देख कर श्री बाबे जी आख्या, आओ दोदा, क्या चाहुंदा है? साडे परमेश्वर जी कर सब कुछ है, अते जे ओ करता पुरख है सो दाता है, संपूर्ण जीव उस दे मंगते हैं। ओ जहां कहां परपूर है, ते ओ भगवत विराजमान है, उस परमात्मा दे रूप दे पासों जो तू आखे असी तेनू दवाईए। अते दुध पीना चाहे ता ए वी नदी दुध दी वगदी है, जितना पी सकदा है तितना ही पी ले। दोदा लगा पीवन अते क्या देखे, जो अमृत दा स्वाद है। दोदा दुध पी के बड़ा प्रसन्न होया, आखन लगा के गुरु जी तो जो मैं मंगांगा सो मैनू देवणगे। ता दोदे ने अपने गल विच पल्ला पाए कर गुरु जी दे अगे मत्था टेकया। ता श्री गुरु जी ने वचन कीता, दोदया कुछ मंग लै। ता दोदे कहया जी, मैं एह मंगदा हां जो दुध पुत्र करके भरपूर होवा। ता गुरु जी कहया, दोदया कुछ होर भी मंग लै। ता दोदे आख्या, गुरु जी मैं एहो मंगदा हां जो दुध पुत्र मेरे बहुत होवे। ता तीन वारी गुरु नानक साहिब जी कहया, कुछ होर मंग दोदे। एहो आख्या जी, सच्चे पातशाह जी मैं दुध पुत्र करके भरपूर होवा। एहो मंगे ता सतगुरु जी कहया, दुध पुत्र नाल तू भरपूर होवेगा। पर सच कमाई ता दोदे मत्था टेकया। श्री गुरु जी सदीव ही नदी दे कंडे रहन लगे। उथे भी बहुत गुरु नानक जी दे दर्शन को आवण अते पातशाह दी वल्लों उथे एक ठाणेदार करोड़िया रहिंदा सी। ता उसने खबर सुनी, जो इथे एक फकीर आया है अर सब लोग ओदे मिलन वास्ते जांदे हैं। ता उस करोड़िये ने कहा, एह ते फकीर कोई जादूगर है। उस करोड़िये अपने मनुखा नु कहा, मेरी कोड़ी सजाए के ले आवो, असी उस नु जाए के उठाए आवियेंगे, नहीं ता बन कर ले आवियेंगे। जा ओ करोड़िया एह बात मन में ठान कर कोड़ी ते चढ़कर निकलया। ता डिग पया अर लत भज गई। ता कितने को दिन मंजे ते प्या रहा, जा फेर राजी होया, टुरन फिरन लगा। ता एक दिन फेर गुरु जी दी तरफ तुरया, जो तपे को उठाए देवेंगे, जा चल कर बांध ले आवेंगे। जद ए बात उस दे मन में आई, ता राह विच अंधा हो गया। ता लोका ने कहया, हे पाई, तू कुछ शुद्ध पावनी करके चले ता चंगा होवेगा, ओ फकीर ते पूरा है। ऐसा कैसा नहीं, जद ओह करोड़िया शुद्ध पावना करके नंगी पैरी टुरदा ही गया, ता जाए के गुरु जी दे अग्गे मत्था टेकया। ता गुरु जी ने आख्या, आओ पाई जी, उस करोड़िये अरदास कीती जी, सच्चे गुरु जी तुसी संत हो ते दया वाले हो,
संसार के पले वास्ते जग विच तुहाडा आउणा बहुतियां दे पले वास्ते है, अते असाडा पला तदे हुंदा है जां तुहाडा निवास इत्थे ही होवे। अते जे तुसी इत्थे रहो तां जथा शक्त जमीन में आप दी पेटा देवांगा, अते तुसी अपने नाम दा चक इत्थे बनावो जी। ता गुरु नानक जी कहया, सुन पाई एह नौ कंड पृथ्वी सब साड़ी है, असा थोड़ी जही क्या करनी है। ता मर्दाने कोलो आख्या, गुरु जी तुसी श्री चंद जी अते लक्ष्मी दास नू इत्थे ही आन रखो। ता गुरु नानक जी आख्या, पाई बाले तुसी श्री चंद लक्ष्मी दास नू इत्थे ही ले आओ। ता दोवे जने विद्या कीते, ता दोहां ने माता तृप्ता अते कालू अगे आ मत्था टेकया। ता उन्हां पुछया, पाई बाला नानक जी किथे है? ता बाले आख्या, मेहता जी ओ रावी नदी दे कंडे उपर बैठे हैं अते तहानू याद कीता है, सो तुसी किरपा करके अपने संबंधियां समेत उत्थे चलो दर्शन देवो। ता मैते कालू ने आख्या, अज साडे वड्डे पाग होए जो गुरु नानक जी ने असानू याद कीता है। कालू ने गड्डियां पाड़े करके तुरन दी तैयारी कीती, ता राय बुलार ने सुनिया ते कालू बेदी दे कर आया ते कहन लगा, मेहता जी तुसी इत्थे बैठे सी ता बाबे जी दे मिलन दी उम्मीद आही, सो तुसी किरपा करके इत्थे ही रहो। ता कालू ने आख्या, राय जी असी उसदा बचन फेर नहीं सकदे, असी ता उसनू परमेश्वर करके ही जानदे हां, तुसी राय जी सानू विद्या देवो। श्री गुरु नानक जी ने सानू याद कीता है, सो असी उसदा दर्शन पाईए। ता राय ने कालू नू विद्या दित्ती, कहे उस बाबे नानक जी दे चरना ते मेरा बहुत आज जी नाल मत्था टेकना अते कहना, मैनू परमेश्वर जी दी दरगाह विच बचाए लेना, मेरी सहायता करनी। ता कालू राय बुलार पासो विद्या लेकर टुरिया अते मरदाना भी अपने कुटंबियां पास जाए कर आखन लगा, जो पाई बाबे जी ने अपने कुटंब नू रावी दे कंडे पर सद भेजिया है, सो हुण तुसी भी उत्थे ही चलो। ता उन्हां आख्या, तुसी ता किते ठहर के नहीं बैठ दे अते तुसी असानू घरों कड के बाहर सुट जावोगे, असी नहीं जांदे। ता मरदाना जवाब लेकर बाबे कालू नू जाए मिलया, ता सबे गुरु बाबे जी नू आए कर मिले। ता बाबे ने माता पिता जी अगे मत्था टेकया, ता कालू ने अते माता जी ने गुरु जी नू गल नाल लाया अते आखन लगे, असाडे वड्डे पाग हैं जो तुहाडा दर्शन होया, पर असी अपने घर दी किरसानी छड के आए हां। गुरु नानक जी ने श्री राग विच शब्द आख्या, सुनो पिता जी एह किरसानी करोगे तां तुहाडा उधार होवेगा। श्री राग महला पहला कर तीजा, एहो तन धरती बीज कर्मा करो सलल पाओ सारंग पानी, मन किरसान हर हृदय जमाए ले यो पावस पद निर्बाणी, काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगले कालतर, माता तेरे होहे ना अमत सखाया रहाओ,
बिखै बिकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे होए ते आई जप तप संजम हो हे जब राखे कमल बिगसे मदो आसरमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में परंपरो चीने कहे नानक इव एक तारे तिसका परमार्थ गुरु नानक जी कहंदे हैं हे पिताजी इस तन नु तरती करो अर शुभ कर्मा दा बीज पावो अते जो महाराज दे नाम दा जाप करना है सो जल देवो अते मन नु किरसान करो ते जो महाराज दे चरणा दा ध्यान करना है सो अपने हृदय विच जमावो इस प्रकार मुक्त होवेगा अते माया नु झूठ जान के तिस दा त्याग करो सुनो पिताजी जितने कुटुंबी हैं सो किसे भी नाल नहीं जाना एह विख्या दे भोग हैं अर काम क्रोध दुष्ट हैं इना दा त्याग करो अते पत संजम तुसी अपनी खेती दे रखवाले बनावो ता तुहाडा मन अपने आश्रम विच आ जावेगा अर जे तुसी वाहे गुरु नु चीनोगे ता तुहाडा उदार होवेगा अते जो वाहे गुरु दा नाम सुने सुनावेगा तिस दा भी उदार होवेगा ता माता ने कहा बेटा तेरी कृपा होवेगी ता आत्मे नु चीनियेंगे ता कालू ने कहया बेटा राग द्वैख ते ज्ञान एह कई असंख जन्मा दा चलिया आमदा है अते ज्ञान संता नु मिल सुन के हुंदा है ओह ज्ञान इतने जन्मा दे अज्ञानी क्यों कर कटेगा ता गुरु जी कहया सुनो पिता जी लकड़ियां हजारां बरसां दियां कठियां कीतियां हुईयां होवन अग्नि पत्थर विच्चों चिंगारी कड के लकड़ियां नु लावीए ता सबे लकड़ियां पसम हो जांदियां हैं सो तैसे ही लकड़ियां दी न्याई अज्ञानी है अते साध संत दे मन दी जो प्रीत है चिंगारी न्याई है सो तैसे ही साध संत दी अते मन दी प्रीत अज्ञान नु अते पाप नु नाश कर दी है एहो सबो बातां करोड़िया सुनकर गुरु जी दी चरणी आए लगा करोड़िये आख्या गुरु जी मैं किला बनावदा हां अते एट किस दे नाम दी रखा ता गुरु जी ने आख्या पाई करतार दे नाऊं दा करतारपुर बनाऊं ता उसने कच्चा कोट बाहरला बनाया अते बाबा जी दे घर पक्के बनाए ता उत्थे बाबा जी दा कुटुंब लक्ष्मी दास माता तृप्ता जी अते मेहता कालू जी अते श्री चंदर अते माता चोनी जी आए रहे अते ओह करोड़िया जमीन भेट करके विद्या लगा हूं ता फिर अरदास कीती हे गरीब नवाज जो किस इस जगह जमीन दी पदायश होवेगी धर्मशाला विच पाईए ता करोड़िया मत्था टेक के विद्या होया अते दोदे दियां गौआं अते मईयां दे वग वधदे जावण दिनो दिन अते दिन दा दुध बाबे जी दे घर पहुंचावे अते रात दा दुध अपने घर रखे इतने नु सराधां दे दिन आए ता कालू ने अपने पिता दा सराध कीता कालू ब्राह्मणा दे पैर धोवण लगा ता श्री गुरु जी पुछया हे पिता जी एह किस वास्ते इतना प्रसाद कीता है ता कालू ने कहा हे नानक मेरे पिता दा सराध है ता श्री गुरु जी कहया हे पिता जी जब लग वासना वदियां हैं सो तब लग पितर नरक सुर्ग भोगते हैं
जब यह प्राणी वासना ते निर्वास होता है तब पितर भी मुक्त होते हैं। जिस तरह लड़के दे हाथ विच गुड्डी दी डोर टूट जांदी है तां पिछे चंदा डोर में पावता है, गुड्डी नू जाए पहुंचता है सो डोर टूट जांदी है तां गुड्डी भी चली जांदी है। तैसे ही जेड़े अज्ञानी हैं सो उनके मोह दी डोर पितरां नू पहुंचदी है। तां फेर गुरु जी ने कहा, हे पिताजी तुसी वाहे गुरु आख के अखियां मीटो। तां कालू ने अखियां मीटियां तां क्या देखे, मैं तां बैकुंठ ताम विच बैठा हां। अर जेड़े चहु जुगां दे पितर हैं सो सब चतर पुज स्वरूप तारे होए विष्णु जी पास बैठे हैं। तां सब कालू दे गल मिले तां सारा दिन कालू पितरां दे गल मिलदा रहा। पितरां ने आख्या, हे कालू तू तन है जो जिस दे कर गुरु नानक जी पैदा होया, जो जिस दे पिछे असा सबना दा उधार होया है। कालू उथे एक बरस रहा अर वड्डे दिन भोग बैकुंठ दे कालू नू भोगण वास्ते मिले। फेर कालू पितरां नू आख्या, पाई मैं ता मात लोक नू जाना है अते फेर मैं देह नू त्याग करके एते तुहाडे पास आवांगा। ता कालू ने अखियां जां खोलियां जां खोल कर देखे ता गुरु जी बैठे हैं अते कालू ब्राह्मणा दे अजे पैर ही तोंदा है। ता कालू कहा, हे बेटा तेरी कृपा करके मैं एक कौतक डिठा है, जो तू कहे ता श्राद करिए नहीं ता ना करिए। ता गुरु नानक जी कहया, हे पिताजी जिमें तुहाडी मर्जी जिमें आप प्रसन्न होवो। ता अगों कालू ने कहया, नानक जी मैं एक बरस बैकुंठ विच रह आया हां अते इथे अजे मैं उस ब्राह्मण दे पैर टूंदा हां। एह बात वड्डी आश्चर्ज है। ता गुरु जी ने कहया, हे पिताजी महाराज दी माया विच अचरज कोई नहीं, पर तुसी हुण करतार दा नाम चित करो। ता फेर कालू नू निश्चा हो गया अते परमेश्वर दा रूप जानिया। ऐसी लीला गुरु जी करके ओथों चल दे रहे अते मैता कालू ते अम्मा बीबी ओथे ही रहे। बोलो पाई जी वाहे गुरु।